हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए आज हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविच, जो कि बहुत ही सिंपल और टेस्टी लगते हैं, सिंपल तरीके से बन जाते हैं। तो देखिए, 2 से 3 बॉयल आलू ले लिए हैं जिसे हम फोड़ लेंगे। ब्रेड ले लिए हैं 5 से 6। धनिया पुदीने की चटनी बनाई है हमने। सॉस ले लिया टमाटो सॉस। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले। नमक लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है। 1/4 चम्मच मैंने मिर्च ली है। 1/4 चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला। गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा आता है। बाकी जो मसाले आपको पसंद हो, आप 1-2 मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो ये देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। ब्रेड लेंगे हम, इस पर लगा लेंगे हरी चटनी। इस तरीके से सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खट्टा मीठा बनाता है इसमें। तो ये देखिए, हरी चटनी अच्छे से लगा लेंगे। इसके ऊपर स्टफ कर देंगे हम आलू, जो मसाले वाले आलू हमने बनाकर तैयार किए हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसे टोस्टर में बना रही हूँ। आप चाहें तो तवे पर बना सकते हैं, तवे पर भी बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। लेकिन मैं ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ, तो इसलिए टोस्टर में बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरफ मैंने घी लगा दिया है इसमें। आप बटर में बनाए तो आप बटर लगाएं, मैं देसी घी में बना रही हूँ। घी लगाने के बाद हम इस पर ब्रेड रख देंगे, जो हमने आलू स्टफ करा था। अब एक ब्रेड पर लगा लेंगे हम टमाटो केचप, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद हम इसे उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे, टमाटो केचप वाला स्टफ उधर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे हम फिर से। अगर आप बटर में बना रहे हैं तो आप बटर लगाएं, मैं घी में बना रही हूँ इसलिए मैंने घी लगा दिया। अब इसको कर देंगे हम बंद और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन। ये देखिए, अब इसे दोनों तरफ से हम उलटते पुलटते सेक लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए, वाओ कितने बढ़िया सैंडविच बने हैं ना हमारे, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप मुँह में पानी मत लाइए, जाकर बनाइए बहुत ही सिंपल और इजी से सैंडविच। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वरना सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे। तो एंजॉय करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।